गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो जल्दी से जल्दी बताइए, आपको आवाज क्लियर है? सी यस और नो। पहले तो वॉइस के बारे में बता दीजिए कि आपको वॉइस क्लियर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। जस्ट से वॉइस क्लियर है या नहीं, मैं भी सुन लेता हूँ। वॉइस क्लियर है? यस, वॉइस क्लियर है। तुम तो लोग जवाब नहीं देते, मैं खुद ही क्वेश्चन पूछ के खुद ही जवाब ले लेता हूँ। चलिए, सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पॉलिटी का सेशन, ठीक है जी। सो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का सेशन, और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, और ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई एग्जाम पेपर डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं इसी ईमेल आईडी के ऊपर। जिस तरीके से आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, और अगर आप ऐसे ही पॉलिटी के क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर वगैरह, जितने भी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल फोल्डर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के, और यूपीजी के, एमपीजी के, और जो है आपकी बिहार जी के, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज मॉक टेस्ट भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, ये सब चीज़ें जो हैं आपको कहाँ पे मिलेंगी, हमारे 10,000 एमसीक्यू कोर्स के अंतर्गत। और इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं, स्पेशल फोल्डर्स हैं, मॉक टेस्ट है, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपये में, अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं VIP फ्लैश। अगर ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको सीधा मेरा कोर्स जो है 1299 में मिलेगा। और आज अगर आज और कल इस कोर्स को परचेज करने का लास्ट डे है, और अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी सेम प्राइस के अंतर्गत। क्लियर? ये हाफ प्राइस है, पहली बात तो बता दूं, एक तारीख से इसकी प्राइस जो है फिर बढ़ जाएगी। क्लियर? जीएस कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक थ्योरी कोर्स है, एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्या है वो यहाँ पे हमने समझा है। इन कोर्सेज को आप कहाँ से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट studyiq.com। जैसे ही आप इस चीज़ को ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नजर आता है होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जीएस कोर्स और 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं, ठीक है। एक चीज आपको मैं बता दूं, मॉक टेस्ट 21 जो अपलोड होगा आज सुबह अपलोड हो जाएगा 11 बजे 10,000 एमसीक्यू कोर्स में, और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। आज जो टेस्ट है जो मैंने प्रिपेयर किया था इसमें 33 क्वेश्चन जो है NCERT बेस्ड हैं, और 17 क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर एग्जाम होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो डाले हैं, और स्टेट PCS के क्वेश्चन डाले हैं, तो उसको भी अटेम्प्ट करना मत भूलें। समझ आया? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए जी बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। राइट टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, राइट टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इज ए, जो फूड सिक्योरिटी है भारत देश में वो क्या है आपका? वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो एक लीगल राइट है, या एक आपका फंडामेंटल राइट है? राइट टू फूड जो है आपका, इसको हमने डाला हुआ है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। सो दैट मीन्स राइट टू फूड इज ए फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ में आता है। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन। क्लियर? एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, आपके कुछ आर्टिकल्स आपको पता होंगे, जैसे कि आपका आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39A है। आर्टिकल 39A में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हम बात क्या करते हैं, आर्टिकल 39A में हम बात क्या करते हैं, राइट टू एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, राइट टू एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, ये हम बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट,
इसका मतलब ये होता है कि आपको जीवन जीवन व्यतीत करने के लिए आपको आपके राइट्स, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से खाना भी होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपकी हाउसिंग भी होनी चाहिए, सैनिटेशन, जो भी चीज़ें लिविंग के लिए आपको चाहिए होंगी वो इसके अंतर्गत राइट टू एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड में आपको मिल जाएंगी। समझ आ गया। दूसरा एक आर्टिकल है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या है कि हमें लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करवाना है, जिसके लिए जो है आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए और न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए सरकार आपका काम करती है। सो ये 47 वाला ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, ये 39A वाला भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड राइट टू फूड की बात नहीं है, यहाँ पे फूड की बात आती है इनडायरेक्टली वे में, लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए और न्यूट्रिशन को लेवल बढ़ाने के लिए। तो इट मीन्स यहाँ पे वर्ड सीधा डायरेक्ट यूज नहीं हुआ हुआ फूड, और फूड वर्ड जो डायरेक्ट यूज होता है वो आपका फंडामेंटल राइट में यूज होता है, ये याद रखना। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, फंडामेंटल राइट है ये। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया था वो 2013 में आया था, जिसके अंतर्गत जो है हमारी 2/3 पॉपुलेशन को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिलेंगे। सब्सिडाइज फूड ग्रेन का मतलब क्या है, जो चीज़ें मतलब रेट है मार्केट में उससे बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगी ये चीज़ें, क्लियर। और ये 12 सितंबर 2013 को जो है ये लॉ बन के आ गया था, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम की बात करें, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम की बात करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, और जितने भी आपके मदर बच्चा जन्म देती है तो मदर की न्यूट्रिशन लेवल को चेक करने के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट में देखने को हमें मिली थी। सो ऑल दीज आर एक कलेक्टिव अप्रोच है कि अगर आपको फूड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने तो आपको ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी जो है मई मंथ की जो बेस्ट 200 क्वेश्चन थे उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। सरकारी कमीशन रिपोर्ट जो डील करती है वो इनमें से किस चीज के लिए डील करती है? यस, सरकारी कमीशन रिपोर्ट, सरकारी कमीशन रिपोर्ट जो है वो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के लिए बात करती है। जब भी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात आती है तो डैट मीन्स फेडरल करेक्टर की बात आती है। फेडरल करेक्टर मतलब क्या हो गया, संघ, संघ वर्ड का मतलब क्या है, सेंटर के पावर अलग हैं, स्टेट के पास पावर अलग हैं, लोकल गवर्नमेंट के पास पावर अलग हैं, क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलती है, बट हमारे देश में क्या होता है, फेडरेशन तो है ही है लेकिन उसमें से सेंटर क्या है आपका, स्ट्रांग है, फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर, जो कि हमने कहाँ से लिया है, जो कि हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर, ये हमने कहाँ से लिया है, कैनेडा से। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, क्लियर हो गया आप लोगों को। जैसे कि हमारा क्वासी फेडरल की बात आती है, ये सब चीजें। अब बात यहां पे ये आ गया कि फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारा ये वाली वर्ड है। सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए एक आपका पुंची कमीशन भी बैठा था। ये पुंची कमीशन जो बात करता है ये 2007 में था आपका, क्लियर, 2007 में। वन मोर पॉइंट इज हियर, सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर होती है आर्टिकल 131 के अंतर्गत, जो के आती है ओरिजिनल यूरिसडिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है, जिसमें सेंटर और स्टेट, स्टेट और स्टेट के झगड़ों को सॉल्व करने की बात यहां पे करी जाती है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। करप्शन की अगर हम बात करते हैं, भारत में करप्शन को खत्म करने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया था 1964 में, और ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन से बनाया गया था, संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन से। ये संथनम कमेटी ने बोला था कि करप्शन को खत्म करने के लिए हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बैठेगी, और बनाई थी इन्होंने। ये जो है किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये जवाबदेही है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को जवाबदेही है, ये याद रखना, क्लियर। लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं, लोकल गवर्नेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पावर्स जो है आपकी लोकल गवर्नमेंट के पास है, जिसमें आपकी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी वगैरह आते हैं, क्लियर हो गया, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। और अगेन हिस्ट्री का एक क्वेश्चन अगर हम याद करें, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसे कहते हैं हम, दैट इज लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ये याद रखना, लॉर्ड रिपन को। इंटर स्टेट डिस्प्यूट की बात करें आर्टिकल 262 के अंतर्गत देखने को आपको मिलता है। चलिए जी आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन से फंडामेंटल राइट में अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पर्शता को खत्म करने की बात करी गई है? कौन से आर्टिकल में अस्पर्शता को खत्म करने की बात करी गई है? दैट इज द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी, यह बात करी गई है आपके आर्टिकल नंबर 17 के अंतर्गत। क्लियर कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाली जो बात पुराने जमाने पर चलती थी हमारे, ठीक है, दादा परदादा के टाइम पे चलती थी, आपने सुना होगा, आपके कहानियां सुनी होंगी आप लोगों ने, तो अनटचेबिलिटी जो है आपकी अब खत्म कर दी गई है आर्टिकल 17 में। अनटचेबिलिटी के लिए अभी एक राइट भी बनाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976। क्लियर, 1976 का सिविल राइट एक्ट जो है बनाया गया था, आंसर नंबर ए जो है इसमें बनेगा, राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत बनेगा आंसर नंबर सी, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी जो आता है वो 14 से लेकर 18 नंबर तक आते हैं, ये याद रखें। और कल्चरल और एजुकेशन राइट आते हैं 29 और 30 में आते हैं, ठीक है। रिलीजन वाला जो राइट आता है आपका 25 से 28 तक आता है, और उसके बाद है लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम की बात करें 19 से 22 तक देखने को हमें मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अनटचेबिलिटी से मेरे दिमाग में क्वेश्चन एक दो आते हैं क्या, अगेन क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है ना अनटचेबिलिटी वर्ड, तो ऑब्वियसली बात है हमारे दिमाग में दो तीन क्वेश्चन क्या आते हैं। अनटचेबिलिटी छुआछूत के लिए एक ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बनाई गई थी, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ये जो है 1932 में बनाई गई थी, 1932 में बनाई गई थी, एंड दिस इज बाय द महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी। क्लियर, और महात्मा गांधी जी ने 32 में ही हरिजन, हरिजन नाम का एक पेपर भी जो है स्टार्ट करवाया था। सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अनटचेबिलिटी के दिमाग में एक पर्सन और आते हैं, भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी ने भी इनको खत्म करने के लिए, अस्पर्शता को खत्म करने के लिए बहिष्कृत हितकरणी सभा बनाई गई थी। और भीमराव अंबेडकर जी ने, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपकी, डेट इज 20 मार्च 1927, यहाँ पे आपका महाड़ सत्याग्रह किया था इन्होंने। महाड़ क्या होता है, महाड़ का मतलब होता है जैसे कि गांव वाले कुएं से पानी इकट्ठा करते हैं ना, डेट इज महाड़। तो उसमें जो जो ये वर्ड यूज करते थे अनटचेबल्स, अनटचेबल्स को पानी, हरिजन्स को पानी पीने नहीं दिया जाता था उस तालुका से, उस कुएं से। तो इन्होंने जो है ये सत्याग्रह किया था, महाड़ सत्याग्रह, और महाड़ सत्याग्रह फिर कंप्लीट हुआ, और जो अनटचेबल पीपल थे, जो उस टाइम पे अनटचेबल जिनको यूज करते थे, लोअर जाति वाले लोग थे जो, ठीक है, तो उनको क्या किया गया, उनको पानी के लिए जो है मतलब अनुमति मिल गई और पानी पीने लग गए वो वहां से। अदरवाइज पानी पीने के लिए भी, मतलब समझो, मतलब उस टाइम पे सिचुएशन क्या होगी, इमेजिन करने में भी डर लगता है, समझ आया। अब 20 मार्च की बात करते हैं, तो 20 मार्च जो है आपका सोशल एम्पावरमेंट डे कहा जाता है, सोशल एम्पावरमेंट डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखना है आपको। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, ग्राम न्यायालय एक्ट जो कि आपका 2008 का है, ग्राम न्यायालय एक्ट जो है, इनमें से कथन कौन सा सही है, इनमें से कथन कौन सा सही है ग्राम न्यायालय एक्ट के लिए। एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली द सिविल केसेस एंड नॉट द क्रिमिनल केसेस। पहली बात तो मैं आपको एक चीज में बता दूं, जब भी आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांसेस मतलब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जब वर्ड ओनली वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो उसमें स्टेटमेंट मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो गलत हो। पॉइंट समझ आया, मैंने बोला कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं जब ओनली वर्ड लिखा हो तो वहां पे वो स्टेटमेंट गलत होती है। तो यहां पे स्टेटमेंट ये गलत है, सिविल केसेस नहीं क्रिमिनल केसेस को भी संभालती है, ये याद रखना, समझ आया। दूसरा है, द एक्ट अलाउज द लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज ए मीडिएटर और रिकॉन्सिलिएटर। बिल्कुल, जो लोकल एक्टिविस्ट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मीडिएटर की तरह काम करते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर, बी ऑप्शन। अब यहाँ पे आप ना जो है मतलब काफ़ी स्टूडेंट इसको ऐसे मत समझ लेना कि हाँ ओनली वर्ड आया तो गलत ही करना है, ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया है कि ओनली वर्ड आया तो गलत हो जाएगा, पहले स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके बाद देखना है कि हाँ उस
उस स्टेटमेंट के रिलेटेड, ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, जो भी है, समझ आया? तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी, सेकंड ओनली इज द राइट वन, ग्राम न्यायालय एक्ट। अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीगल इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल के आगे सब बराबर हैं, कानून के सब बराबर हैं, ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमने लिया था यूएसए, और ये गिवन है आपका आर्टिकल 14 के अंतर्गत गिवन है, समझ आया? 13 की बात करते हैं तो ये जुडिशियल रिव्यू की बात आती है यहां पे। जुडिशियल रिव्यू मैंने बहुत बार आपको क्वेश्चन समझाया है, एक वर्ड होता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, एक वर्ड होता है रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एक वर्ड होता है रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, दोनों में कंफ्यूजन नहीं लेनी है आपको। रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 137 में आता है, जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 में आता है, दोनों आपके सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, क्लियर हो गया? अब बात क्या होती है जुडिशियल रिव्यू की, जब हम बात करते हैं ये जुडिशियल रिव्यू की जब हम बात करते हैं तो इस वर्ड का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी जो हमारे देश में कानून लगा हुआ है उसको देखती है और उसको बताती है कि ये संवैधानिक है या नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी संवैधानिकता है या नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट आता है। लेकिन रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया हुआ है उसको दोबारा से चेक कर रही है रिवाइज करने के लिए कि हाँ हम अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डिसीजन के चेंज करना ना करना वो रिवाइजरी में आता है, ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर? आर्टिकल 17 की बात करें, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी हम। आर्टिकल 26 ये रिलीजन के लिए राइट आता है आपका, और इसमें 26 में हम बात क्या करते हैं कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं, आप जो है इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, और अपने जितने भी धर्म के अफेयर्स जो भी होते हैं, कोई बातचीत है या कोई भी आपके दिमाग में चीज चल रही है वो आप इसमें कर सकते हैं, क्लियर? यस, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, और लेकिन ये सारा काम जब आप करेंगे अकॉर्डिंग विद द लॉ, कानून के दायरे में रह के आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि धर्म है और धर्म के रिलेटेड आप कुछ भी कर दो, कानून के दायरे में, कानून ने बहुत सारे दायरे बनाए हुए हैं धर्म के लिए भी, और उस तरीके से आप कर सकते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? आंसर नंबर ए। सो यहां पे देख लीजिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो स्टेटमेंट थी इसका मतलब क्या है, कानून की आईज में, कानून की आंखों में सब बराबर है। दूसरा वर्ड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा, समझ आया? That means apple and oranges are not the same. Thus, इनको सेम प्रोविजन दी है डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, और प्रॉपर तरीके से, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट आती है यहां पे। चलिए अगला आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए यूनियन टेरिटरी विच डू नॉट हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जहां पे भी विधानसभा नहीं है और उस विधानसभा की जो देखरेख होती है, मतलब जहां पे विधानसभा नहीं है उस जगह के ऊपर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी को संभालता कौन है, और उसको संभालता है प्रेसिडेंट, आंसर नंबर डी, क्योंकि इसके कंट्रोल में होती है। बट प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट कर देता है मेंबर्स को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट कर देता है, बट अदरवाइज आंसर इसमें क्या बनेगा, डी। ये जो चीज होती है ये रिस्पॉन्सिबल राष्ट्रपति होता है, क्योंकि जब भी आपकी स्टेट्स में बात करें, ये सब चीजों की बात करें, तो आपके देश में लगता क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है उसको, सारा काम राष्ट्रपति के हाथ में होता है, ये याद रखना है। राष्ट्रपति पीछे से काम कर रहा होता है, लेकिन बात यह है कि उसने अपने लोगों को अपॉइंट कर रखा है वहां पे, तो आंसर नंबर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति इज द राइट वन, और ये हो गया जी आपका पार्ट, क्लियर? तो आंसर नंबर डी इज द राइट वन, आंसर नंबर डी। यहां पे देख लीजिए, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे थे, ये सारी की सारी जो है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जो है आपकी हैंडल करी जाती है, और इसमें यूनिटरी रिलेशनशिप होता है, कहने का मतलब सारा कंट्रोल किसके पास हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो जाता है, सारी पावर सेंटर के पास आती है,
प्रेसिडेंट जो होता है वो आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनियन टेरिटरीज का, और यूनियन टेरिटरी जो है आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन करी जाती है वो एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा करी जाती है, जो कि आपका अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और यूनियन टेरिटरी स्मॉलर इन एरिया वगैरह ये वो सब चीजें आती हैं आपकी, क्लियर हो गया आप लोगों को, ये याद रखना है पॉइंट। तो यहाँ पे स्टेट की बात आते हैं, स्टेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है और उसकी अपनी एक गवर्नमेंट होती है, फेडरल रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखती है, मतलब अपनी अपनी पावर्स हैं इनकी, क्लियर हो गया आप लोगों को। और ये हेड ऑफ द स्टेट जो है वो आपका कौन होता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर होता है। स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन करी जाती है वो आपके चीफ मिनिस्टर द्वारा करी जाती है, जो लोगों द्वारा चुना जाता है, और एरिया बहुत बड़ा होता है और इसके पास ऑटोनॉमी होती है कानून वगैरह बनाने की, क्लियर। सो ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर हो गया आप लोगों को। यस, तो अगेन एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए यूनियन टेरिटरी विच डू नॉट हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन के अंतर्गत यहां पे हमें आंसर चेंज करना पड़ेगा। देखिए आंसर चेंज करने का मतलब क्या है, देखिए एक्चुअली कंट्रोल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटर का रहता है, ठीक है, एक्चुअल कंट्रोल, बट दे आर डायरेक्ट, ये इनको अपॉइंट कौन करता है आपका, राष्ट्रपति करता है, पॉइंट समझ आया। तो इसका जो आंसर हम चेंज करेंगे वो ए ऑप्शन के साथ चेंज करेंगे, रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन है, वो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। सो ये अपॉइंट होता है राष्ट्रपति द्वारा, सो हम टिक करेंगे आपका ए ऑप्शन, यहां पर हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे, ये याद रखना। यस, आंसर नंबर वन। चलिए अगला आंसर बताइए, आईपीसी जो है इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत जो हमारी कम्युनिटी है LGBT, दैट इज लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, क्लियर, ट्रांसजेंडर्स, ये कम्युनिटी के अंतर्गत इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सेक्शन को स्क्रैप ऑफ कर दिया है, तो ये कौन सा सेक्शन जो है स्क्रैप ऑफ किया गया था, यस बताइए जी। So, ये आपका आर्टिकल सॉरी आईपीसी सेक्शन 377 जो है इसको हमने हटा दिया था। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, आप मुझे बताएंगे 498 सेक्शन क्या है, आप मुझे ये इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 498 सेक्शन क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आंसर जो भी आपका होगा, ठीक है, 377। अगला बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, विच इज ए टूल ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल टू इनफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। मतलब क्या है कि जवाबदेही, प्रशासनिक जवाबदेही को लागू करने के लिए कार्यकारी नियंत्रण का कौन सा उपकरण है। मतलब सीधी सी बात यह है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि चीजों को लागू करना, जैसे कि हमारे देश में लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं उस चीज को इंप्लीमेंट करवाते हैं, तो एग्जीक्यूटिव ने तो इंप्लीमेंट करवानी है, उस चीज को लगाना है, पॉइंट समझ आया। तो उस चीज को कंट्रोल रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के लिए टूल कौन सा है, तो वो है आपका अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। क्योंकि देखिए लागू करवाने का मतलब क्या हो गया, चीज को लागू करवाने का मतलब एग्जीक्यूटिव, उसका कंट्रोल कैसे होगा, अपॉइंटमेंट और रिमूवल से। जैसे कि हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी है, यूपीएससी स्टूडेंट्स जब आपका यूपीएससी क्लियर करके जाते हैं तो अपॉइंटमेंट की जाती है और उनका हटाया भी जाता है, सो वो क्या है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, और वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, क्योंकि वो जाके आपकी एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में वहां पे बैठेंगे और अगेन उस स्टेट की सॉरी उस डिस्ट्रिक्ट की चीजों को वो संभालेंगे, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज द अकाउंटेबिलिटी, पॉइंट समझ आया। इसमें जवाबदेही है, उनको अपॉइंट कर दिया राष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति ने अपॉइंट करके भेज दिया, और वहां पे जब वो काम कर रहे हैं तो जवाबदेही किसको है, एग्जीक्यूटिव को जवाबदेही है, जो भी वो गलत करेंगे या सही करेंगे वो सारी चीजें उनको पता चलती चली जाएंगी, मतलब आगे आगे पता चलती जाएंगे। सो मतलब ब्यूरोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव कंट्रोल यही होता है, तो वो होता है आपका अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। बाकी आपको पता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, और इनके जो मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 65 साल इनकी रिटायरमेंट एज होती है, यूपीएससी के मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, क्लियर। अदरवाइज यूपीएससी इज द इंडिपेंडेंट बॉडी और किसी को जवाबदेही नहीं है, और यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होंगे राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, मेंबर्स को राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, 6 साल का कार्यकाल, रिटायरमेंट एज 65, ये सब पता है आपको। चलिए जी अगला आंसर बताइए,
अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो भारत देश है वो क्या है? हमारे संविधान के अकॉर्डिंग भारत देश जो है वो आपका एक सेकुलर स्टेट है। आंसर नंबर बी। सेकुलर का मतलब वर्ड क्या है? धर्म निरपेक्ष। इस वर्ड का मतलब क्या है? बहुत गहरा वर्ड है ये। सेकुलर वर्ड का मतलब ये है कि देश जो है, कंट्री जो है, आपके किसी धर्म को नहीं मानता, किसी भी रिलीजन को नहीं मानता। पॉइंट समझ आया? बट हम सभी धर्मों की क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। पॉइंट समझ आया आप लोगों को कि कंट्री का, देखिए अगर आप कोई भी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, कोई भी हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप कहीं पे भी जाएं, क्योंकि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, आप मंदिर में माथा टेकें, गुरुद्वारे में माथा टेकें, मस्जिद में माथा टेकें, और जो है आपका जो है ये चर्च में जाएं, आपके ऊपर कोई मनाही नहीं है। पॉइंट समझ आया? हमारा देश ये नहीं कहेगा कि हिंदुओं के धर्म को अपनाओ या हिंदुओं का त्यौहार मनाओ, ऐसा नहीं कहेगा कि मुस्लिम के त्यौहारों को मनाओ, ऐसा नहीं कहेगा सिखों के त्यौहारों को मनाओ या किसी भी धर्म के त्यौहारों को मनाओ। पॉइंट समझ आया? हमारे धर्म, हमारा देश ये बोलता है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, बट हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। ये वर्ड जो है, इस वर्ड का मतलब होता है सेकुलर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकुलर वर्ड जो है ये कहाँ पे लिखा गया था? प्रियम्बल में लिखा गया था, प्रस्तावना में लिखा गया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्री फेस ऑफ द कंट्री, प्री फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें तीन वर्ड ऐड किए गए थे, वो कौन कौन से थे? सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्लियर हो गया आप लोगों को? यहां पे ये जो वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जो है इसको ऐड किया गया था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सेकुलर स्टेट इज द राइट वन। सेकुलर स्टेट, क्लियर हो गया आप लोगों को? और एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे एक वर्ड आता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो है आपका, इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात करी थी हमने, वो तो बात करी थी केशवनंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973 में करी थी, लेकिन सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमें पता लगा था एसआर बोमाई केस में, एसआर बोमाई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में, कि सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। क्लियर हो गया? सो ये वर्ड है जी आपका इंडिया, सेकुलरिज्म इन इंडिया, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इसीलिए क्योंकि अब आपको आता होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, जो रिट इश्यू करी जाती है आपकी हायर कोर्ट द्वारा, वो हायर कोर्ट कौन सी हो सकती है? हाई कोर्ट भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है। और हायर कोर्ट क्या कहती है कि जो आपका हायर कोर्ट क्या कहती है कि जो आपने लोअर, हायर कोर्ट क्या कहती है, अगर लोअर कोर्ट के पास कोई केस हो कि वो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, दैट मींस अब लोअर कोर्ट इस चीज का डिसीजन नहीं सुनाएगी, डिसीजन हम सुनाएंगे, हम मतलब आपकी हायर कोर्ट सुनाएगी। तो इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन कहा जाता है। आंसर नंबर बी। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं, हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को कह रही है कि आपकी पावर में नहीं आता, हम ये चीज का डिसीजन खुद सुनाएंगे। तो जब हम डिसीजन सुनाएंगे तो वो आएगा आपका प्रोहिबिशन के अंतर्गत, देखने को आपको मिलेगा। एक वर्ड होता है जब आपकी जो लोअर कोर्ट है आपकी, या आपकी हायर कोर्ट जो है आपकी, क्लियर, जो आपकी हायर कोर्ट है आपकी, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है, और इस डिसीजन को, इस डिसीजन को अगर आपने खत्म करना है तो वो कौन सी पावर होती है? वो होती है आपकी सेरिटोरी और सेरिश्री वर्ड यूज करते हैं हम। ध्यान से समझना, दो वर्ड में कंफ्यूज मत होना। यहां पे क्वेश्चन बोला गया है कि चलता चलता केस जो है लोअर कोर्ट से उठा लिया गया और किसने, किसके पास आ गया? आपकी हायर कोर्ट के पास आ गया। पॉइंट समझ आया? और इस केस में जो मैंने आपको बताया है, लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था और उसका डिसीजन कैंसिल कर दिया और सारी पावर्स किसके पास आ गई? हायर कोर्ट के पास आ गई, डिसीजन कैंसिल कर दिया और सारा डिसीजन ये सुनाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड सेरिटरी। दो वर्ड है, चलता चलता केस आ जाना हायर कोर्ट के पास, प्रोहिबिशन, डिसीजन दे दिया और उसको कैंसिल करना, और वो होता है आपका दैट इज सेरिटोरी, ये याद रखना। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू हैव ए बॉडी,
मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट आपसे वायलेट हो जाएं या छीन लिए जाएं, तो आप कहां पे जाएंगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अंडर आर्टिकल 32, और वो आप पेश करेंगे आपका जो केस होगा वो डेट इज द हेबियस कॉर्पस के दौरान। एक वर्ड है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है एक्टिवेट करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है आपकी, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो काम नहीं कर रहा। अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट हम रिट फाइल कर सकते हैं, और ये मैंडमस में आता है। तो सरकार जो भी कोर्ट है उसको कहते हैं एक्टिवेट होने के लिए, बोलते हैं भाई इसका काम कर, तू क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिवेट होने के लिए बात करती है, और ये रिट हम राष्ट्रपति या गवर्नर के अगेंस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि दे आर द हाईएस्ट अथॉरिटीज। क्लियर। प्रोहिबिशन मैंने आपको बता दिया। क्यू वरंटो, क्यू वरंटो का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक गवर्नमेंट ऑफिस है जहां पे ए पर्सन की प्रमोशन होनी थी और बी पर्सन भी प्रमोशन की रेस में था, तो उस जगह का हेड मैं हूं। अब मुझे सरकार भेजेगी कि ए को प्रमोट कर दिया जाए, ए को भी एक चिट्ठी आएगी कि हाँ तुम प्रमोट हो चुके हो। अब मैंने सरकार की चिट्ठी को रिजेक्ट कर दिया और मैंने बी को प्रमोट कर दिया ए की जगह पे। अब ए वाला पर्सन जो है वो मेरे अगेंस्ट केस फाइल करेगा और सरकार मुझसे पूछेगी कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, किसके अकॉर्डिंग? क्यू वरंटो के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट है ये। सो क्यू वरंटो, ये वो सब चीजें, आपको पांच रिट हैं, पांच की पांच रिट मैंने डिटेल में आपको समझा दिया यहां पे। अब बात यहां पे करते हैं, ये रिट वर्ड कहां से लिया है हमने? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये वर्ड लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ द वर्ड इज, जो रिट वर्ड है ये किस चीज के लिए है? फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। फंडामेंटल राइट जो है आपके यूएसए से लिए गए हैं और पार्ट थ्री में आते हैं, 12 से लेकर 35 तक आते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बना के रखते हैं। पार्ट थ्री को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पॉइंट समझ आया? नाउ द पार्ट इज, अब फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए रिट इश्यू करी जाती है अंडर आर्टिकल। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूं तो अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का आर्टिकल, या फिर इसको बोला जाता है हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था, भीमराव अंबेडकर जी ने, ये याद रखना। क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट में आपका जो मतलब रिट होती है वो 226 में होती है, जहां पे आपका फंडामेंटल राइट के लिए भी बात आती है और आपके लीगल राइट्स के लिए भी बात आती है। दैट मींस हाई कोर्ट में हम फंडामेंटल राइट के लिए भी जा सकते हैं, हम उसमें लीगल राइट के लिए भी जा सकते हैं। सो इट मींस हमारी जो पावर्स है राइट्स के मामले में, तो वो किसके पास ज्यादा होगी? वो हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर होती है, क्योंकि हम हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए भी जा सकते हैं और लीगल राइट के लिए भी जा सकते हैं। बट अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं और हमने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, अंडर आर्टिकल 32 जा सकते हैं सीधा, पर पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाई कोर्ट की, क्योंकि उसमें लीगल राइट की पावर भी देखने को मिल रही है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फॉरेस्ट जो हमारे देश में है एक सब्जेक्ट है, ये 7th स्केड्यूल में लिखा गया है, कौन सी लिस्ट में? पहली बात तो मैंने आपको बताया हुआ है जो स्केड्यूल्स होते हैं, अनुसूचियां होती हैं, ये देश की गवर्नेंस करने में आपको मदद करती हैं। और स्केड्यूल्स जो हैं गवर्नेंस करने में, और जो 7th स्केड्यूल है जिसमें आपका पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की, डिवीजन करने की बात करी गई है, सेंटर स्टेट और कंकरेंट लिस्ट बात करी गई है, यहां पे पावर्स को डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात करी गई है। और ये फॉरेस्ट जो आता है आपका, वो आता है कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। यूनियन प्लस स्टेट मिलके कानून बनाती है यहां पे, क्योंकि अगर यूनियन की बात करते हैं, यूनियन लिस्ट में सेंटर कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाती है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिलके कानून बनाते हैं यहां पे 7th लिस्ट में। क्लियर। और यहां पे कंकरेंट लिस्ट जो है वो फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें दोनों मिलके कानून बनाएंगे। कंकरेंट लिस्ट का जो आइडिया है वो हमने कौन से संविधान से लिया था? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज बोरो करी थी। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं, कि फॉरेस्ट को हमने कंकरेंट लिस्ट में डाला था। पहले ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता था, फिर हमने कंकरेंट लिस्ट में डाला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग। क्लियर। 42nd को हम और क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 42nd के अकॉर्डिंग हमने 5 सब्जेक्ट को चेंज किया था स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। और वो 5 सब्जेक्ट क्या थे? फॉरेस्ट था, एजुकेशन था,
वेट एंड मेजर्स था, क्लियर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, और एक था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स। तो ये सब चीजें जो बात आई थी वो कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत देखने को मिली थी। पांच सब्जेक्ट हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। अगर कोई चीज ना सेंटर में लिस्ट में हो, ना स्टेट में हो, ना कंकरेंट में हो, तो उसको हम डाल देते हैं रेजिडरी पावर्स में, रेजिडरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां में, जो आर्टिकल 248 के अंतर्गत लिखी गई हैं। और इसमें सारी पावर वो आ जाती है पार्लियामेंट के पास, सेंटर गवर्नमेंट के पास आ जाती है। अगर कोई भी लिस्ट में वो कानून ना बना हो तो वो हम सीधा का सीधा डाल देते हैं आपका रेजिडरी लिस्ट में, और उसमें सेंटर, यूनियन या पार्लियामेंट कानून बनाती है, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अगला आंसर बताइए। दसवीं अनुसूची जो है हमारे संविधान में वो किस चीज के लिए बात करती है, ये तो सबको पता होगा। दसवीं अनुसूची जो बात करती है वो बात करती है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, दल बदलने के विरुद्ध कानून के बारे में, जिसमें हमने 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 किया था कि कोई भी जीता हुआ पर्सन अपना दल नहीं बदल सकता अनलेस 2/3 लोग जो है उठ के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जाते। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, डिफेक्शन और एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 भी किया गया था, इस चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में कितने लोग रख सकता है, 15% ऑफ लोकसभा सीटें रख सकता है। ऐसे ही स्टेट का जो सीएम होगा अपनी मंत्रिपरिषद में विधानसभा के 15% सीटें रख सकता है, ये याद रखना, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, आर्टिकल 324 में लिखा गया था, 6 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, अगेन 65 इज अ रिटायरमेंट एज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो सभी इलेक्शन करवाता है, जैसे कि आपका प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का, असेंबली का और काउंसिल का, सबके इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाता है वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का करवाता है सिर्फ, ये याद रखना, इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। फाइनेंस कमीशन की अगर मैं बात करता हूं तो वो आर्टिकल 280 में देखने को मिलता है, जिसका मेन काम क्या होता है, विभाजन करना पैसे का, सेंटर और स्टेट में विभाजन करना, चाहे वो टैक्स की बात आए चाहे वो ग्रांट्स की बात आए, तो वो सेंटर स्टेट में डिवाइड करनी, वो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन करवाता है, ये याद रखना। बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी, बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी को बनाने के लिए आपका अगेन आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है, इसमें सारी पावर्स जो होती हैं वो राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, डिफेक्शन इज द राइट वन, डिफेक्शन। चलिए अगला आंसर बताइए, अगला बताइए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कहां से ओरिजिनेट किया गया था, ये कहां से ओरिजिनेट किया है, और हमारे देश में लगाने वाला कौन है, हमारे देश में इस चीज को लगाने वाला कौन है, बताइए आंसर इसका। अब इसमें ध्यान से समझिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट देखना है। पब्लिक का इंटरेस्ट का मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हो, देखिए ध्यान से समझना है, एक होता है फंडामेंटल राइट, यहां पे एक इंडिविजुअल की बात आती है, दिस इज ए इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, मतलब आपके फंडामेंटल राइट, सिंगल पर्सन के फंडामेंटल राइट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आप सोसाइटी को लेकर चल रही हो, अगर मैं बात करूं टेररिज्म की तो वो एक व्यक्ति के ऊपर बात नहीं चलेगी, वो पूरी सोसाइटी के ऊपर बात चलेगी। विमेन एजुकेशन की बात करें तो एक विमेन वर्ग को बात करेगी, विमेन वर्ग बहुत बड़ा है हमारे देश के अंतर्गत, क्लियर हो गया आप लोगों को, यस। रोड सेफ्टी की बात करें, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके हमें क्या नुकसान हो सकते हैं उस कंस्ट्रक्शन से, सो दीज सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द दैट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये चीज हमने बोरो करी है कहां से, यूएसए से बोरो करी है, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे देश में इस कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए जो पहले पर्सन थे दैट वॉज पी एन भगवती, सो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में।
आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी आपको पता है यूएसए से फंडामेंटल राइट भी ले रखे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, ये हमने यूएसए से लिया है। कनाडा से मैंने आपको बताया था फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करी गई है, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट की बात करी गई है, यूके के संविधान से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की, रूल ऑफ लॉ की, रिट वर्ड का, बाइकैमरल लेजिस्लेचर का, ये सब वर्ड जो है हमने इन संविधान से यूज करे हुए हैं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73वां संशोधन एक्ट जो हुआ है वो एक्ट क्या करता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना है हमारे देश के अंतर्गत, तो इसमें कौन कौन सी प्रोविजंस जो हैं आती हैं और कौन सी प्रोविजंस नहीं आती। तो पॉइंट नंबर वन देखते हैं कि क्या कहता है। पॉइंट नंबर वन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिले के अंतर्गत प्लानिंग कमेटी बनाना, ये आपका म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत आता है। इसको हमने ऐड किया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग, जो इंप्लीमेंट हुआ था 93 में, क्लियर। तो इट मींस दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। दूसरा पॉइंट देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन हम बनाएंगे जो कि पंचायत के इलेक्शन करवाएगा, 5 साल के लिए कार्यकाल होता है, उसके बाद इलेक्शन करवाता है, ये बिल्कुल सही है। स्टेट फाइनेंस कमीशन हम बनाएंगे जिसमें पैसा विभाजन करने की बात करेगा ये, तो ये भी आपका पॉइंट सही है। तो मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही है, आंसर नंबर सी। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात करें 1992 में लगा, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ था 93 में। पंचायत के लिए 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत, 11 स्केड्यूल में लिखा गया है और पार्ट 9 के अंतर्गत ये लिखा गया है पंचायत के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया। पंचायत की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, पंचायत को बनाने का पावर जो होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 के अंतर्गत आती है कि स्टेट बना के देगी, एक स्टेट के अंतर्गत पंचायत वो बना के देगी। पंचायत की बात करते हैं, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, आर्टिकल 243A से लेके ओ तक आपके आर्टिकल्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। पंचायती के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपके देश में जो है डेट इज नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे पंचायत नहीं देखने को मिलती, दिल्ली में भी पंचायत नहीं देखने को मिलती, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सेकंड एंड थर्ड। पहली पंचायत नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करी गई थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, दूसरी आपकी आंध्र प्रदेश में। हमारे देश में 3 लेवल के ऊपर जो है आपकी लोकल गवर्नमेंट में आती है, पावर्स आती हैं, जो कि हमें बताया था बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन से बनाया गया था, और बलवंत राय कमेटी ने ही 57 में बोला था कि पंचायत को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, जो हमारे देश में देखने को हमें मिलता है। और इनमें से एपेक्स अथॉरिटी यानी कि टॉप मोस्ट अथॉरिटी कौन है, जिला परिषद, जिसको हैंडल कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैंडल करते हैं। एंड 24 अप्रैल जो होता है वो पंचायती राज डे देखने को हमें मिलता है, 24 अप्रैल पंचायती राज डे। चलिए जी अगला आंसर बताइए, पाकिस्तान को एक डोमिनियन बना दिया गया था, अलग जो है डोमिनियन बना दिया गया था। डोमिनियन का मतलब यह है कि जब हमने बोला था डोमिनियन स्टेटस हमें दे दिया जाए, ठीक है, डोमिनियन का मतलब यह है कि जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक अंग्रेज जो है इस चीज को हैंडल करेंगे, ये बात करी गई थी आपकी यहां पे, ठीक है। तो डोमिनियन का मतलब ये होता है। अब नाउ द पार्टीज, सेपरेट डोमिनियन पाकिस्तान को बनाया गया था 14 अगस्त 1947 को बनाया गया था, क्योंकि अगर आपको याद होगा 3 जून 1947, हिस्ट्री का पार्ट है ये, हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माउंटबेटन प्लान आया था आपका, जिसे हम और क्या कहते हैं, बलकान प्लान के नाम से जानते हैं, और डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी इनको जाना जाता है, डिकी बर्ड प्लान, समझ आया आप लोगों को। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था कि हमारा देश इंडिया आजाद होगा 15 अगस्त 1947 को, और उससे एक रात पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान को विभाजित कर दिया जाएगा, और देश के बीच में एक लाइन खींच दी जाएगी, रेड क्लिफ लाइन खींच दी जाएगी। तो ये बात करी गई थी, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। पाकिस्तान वर्ड जो दिया था हमें, किसने दिया था, पाकिस्तान वर्ड वॉज गिवन बाय चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने जो है यह वर्ड हमें बताया था। इसमें वर्ड का मतलब क्या है, पी ए इज पंजाब, क्लियर, और के इज कश्मीर,
आई एस इज सिंध एंड टी ए एन इज बलूचिस्तान. सो दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द मुस्लिम प्रोविंसेस जिसमें इनको कंबाइन करके पाकिस्तान वर्ड यूज कर दिया गया था. क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 14 अगस्त. चलिए अगला आंसर बताइए, अगला आंसर बताइए जी. ये अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची गई थी और डेट वॉज रेडक्लिफ लाइन, और ये रेडक्लिफ ने ही खींची थी हमारे भारत देश के अंतर्गत. आंसर नंबर डी. ये हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं है, ये आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है और उसमें हम डिस्कस करते हैं ये सब चीजें. क्लेमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को इन्होंने एटली डेक्लेरेशन दी थी और इसने बोला था कि हम इंडिया को आजाद करेंगे 30 जून 1948 को आजाद करेंगे, पर बाद में 20 फरवरी के बाद आपका 3 जून का प्लान आ गया था और उसके बाद बात कर दी गई थी कि नहीं, इंडिया को हम 15 अगस्त को ही आजाद करेंगे. ये सब पता होना चाहिए आपके दिमाग में. क्लियर. बेवल जिसने शिमला कॉन्फ्रेंस कराई थी फेल हो गई थी. कर्जन वही है जिन्होंने बंगाल पार्टीशन किया था और 16 अक्टूबर 1905 को, और फिर उसके बाद बंगाल पार्टीशन कैंसिल हो गया था 1911 में. ये सब पता है आप लोगों को. आंसर नंबर डी, ठीक है, आंसर नंबर डी. चलिए अगला आंसर बताइए. आपके एडवाइजर कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो एडवाइजर हैं वो इनमें से कौन है? देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन की अगर मैं बात करता हूं तो वो तो थे भीमराव अंबेडकर जी, पॉइंट समझ आया. लेकिन यहां पे सलाहकार की बात आ गई है तो वो कौन थे? बी एन राव. तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी. तो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे? बी एन राव थे. आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर. एक पर्सन का नाम आता है एम एन रॉय. एम एन रॉय वो पर्सन है जिन्होंने हमें आइडिया बताया था संविधान का. तो कंफ्यूज मत कर लेना, एम और बी में कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है. इट्स बी एन राव. क्लियर. दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर. ही इज कॉन्स्टिट्यूशन, ही वॉज कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर एम एन रॉय. ही वॉज गिवन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है. आंसर नंबर डी. हमारा संविधान जो बनने लगा था वो 9 दिसंबर 1946 को जब पहली मीटिंग थी और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था. 26 नवंबर को हम संविधानिक दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं. 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इस चीज को बनाने में, जिसमें 165 दिन बैठे थे ये, 114 दिन डिस्कशन हुई थी और पूरे लोग थे 389 मेंबर्स थे जिनमें 15 महिलाएं थी. 11 सेशन हुए थे आपके प्रॉपर इसके डिस्कशन के. क्लियर. सच्चिदानंद सिन्हा जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 9 दिसंबर को ही. फिर 11 दिसंबर को आपके परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था. सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये सीनियर मोस्ट मेंबर थे आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के. तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बी एन राव. अगला बताइए. ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. दो सेशन के बीच में कितना गैप हो सकता है आपका? दो सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप हो सकता है 6 महीने. आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 6 महीने से एक क्वेश्चन और आता है क्या, कि एक बिल की लाइफ कितनी होती है? 6 महीने. पॉइंट समझ आया? जब बिल खत्म हो जाता है तो राष्ट्रपति चाहें तो समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं दोनों सेशंस को. और ये समन करने का काम होता है प्रेसिडेंट का, अगर वो ज्वाइंट सिटिंग करना चाहते हैं राष्ट्रपति, तो ज्वाइंट सिटिंग करवाते हैं, दोनों सदन को इकट्ठा बिठाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठा बिठाते हैं. और इसमें चेयरपर्सन कौन होता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा. स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द चेयरपर्सन. अगर स्पीकर एबसेंट हो तो डिप्यूटी स्पीकर बैठ जाते हैं, ये याद रखना. और ज्वाइंट सिटिंग में जो बिल पास होता है वो आपका साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होता है, ये याद रखना, ठीक है. सेशन को स्टार्ट करने का प्रोसेस राष्ट्रपति के पास होता है, बंद करने का प्रोसेस भी राष्ट्रपति के पास. मतलब समन भी यही करेंगे और खत्म भी सेशन को यही करेंगे. कौन? राष्ट्रपति. और अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब राष्ट्रपति पार्लियामेंट को मिलते हैं तो दो मीटिंग होती है, मतलब पहली और दूसरी, उसके बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? उसके बीच में मैक्सिमम गैप भी 6 महीने का ही हो सकता है, ये आपको याद रखना है. आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. आंसर नंबर बी, 6 महीने. नेक्स्ट बताइए. इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसका पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से आर्टिकल है संविधान के अंतर्गत? किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल में उसका वर्णन किया गया है. यूपीएससी की अगर मैं बात करता हूं तो यूपीएससी नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होती है, जो कि आपकी बात करते हैं 315 और से लेके 322 तक बात करते हैं. पॉइंट समझ आया? 315 से लेके 322 तक. क्लियर.
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऐसा नहीं है कि इसका प्रॉपर तरीके से वर्णन किया गया है, 1993 में बनाया गया था ये। इलेक्शन कमीशन, यस, आर्टिकल 324, तो ये बनेगा आपका राइट आंसर। 324 में लिखा गया है इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी 1964 में बना था, संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन से, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। ह्यूमन राइट्स ये 1993 में बनाया गया था, और 10 दिसंबर इज अ नेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम। 93 में आपके ह्यूमन राइट कमीशन की बात करी गई थी यहां पे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एग्जैक्ट कोई आर्टिकल नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आर्टिकल है 315। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज पर्टिकुलरली गिवन इन द आर्टिकल। देखिए वो क्वेश्चन जो था अभी, वो ये क्वेश्चन था कि आर्टिकल बताना है। अब चीजों का वर्णन तो सभी का किया हुआ है, लेकिन आर्टिकल तो हमारा एक ही है ना, दैट इज 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये अभी आपको मैंने समझाया था, एक्सप्लेनेशन में समझाया था मैंने आपको, क्या डैश मींस केसेस कैन बी डायरेक्टली कंसीडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट, दैट इज इन। देखिए समझिए, ध्यान समझिए कि हम सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं, आपको लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, और वो आता है किसमें, रिट की ज्यूरिसडिक्शन में देखने को आपको मिलता है, रिट। यस नहीं, गलत हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, बिल्कुल बच्चे आप लोग समझ चुके हो जो मैंने यहां पर टिक गलत कर दिया था। यस, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में, इसमें हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। रिट के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हम लोअर कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, पॉइंट समझ आया। तो ये नहीं बनेगा, हम ये बोल क्या रहा है कि आपको लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो इसीलिए आंसर इसमें क्या बनेगा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 131, जिसमें सेंटर स्टेट के झगड़े, स्टेट और स्टेट के झगड़े सॉल्व किए जाते हैं। और इसमें ध्यान रखना कि यूनियन टेरिटरी जो वर्ड है वो इंक्लूड नहीं होता, यूनियन टेरिटरी वर्ड इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि यूनियन टेरिटरी आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द दैट इज बाय द प्रेसिडेंट, और वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देते हैं वहां पे। सो अगर सेंटर स्टेट के झगड़े सॉल्व हो रहे हैं, स्टेट और स्टेट के झगड़े सॉल्व हो रहे हैं, तो इट मींस ये क्या कर रहा है, फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करके रखता है। रिट मैंने आपको डिटेल में समझाया था, एपीलेट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील आपकी सुप्रीम कोर्ट है, एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस किसको दे सकती है, राष्ट्रपति को दे सकती है, राष्ट्रपति के ऊपर ये चीज बाइंडिंग नहीं होती अंडर आर्टिकल 143। क्लियर, ये याद रखना, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, पहला लॉ ऑफिसर कंट्री का कौन है इनमें से, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कह लो, लीगल ऑफिसर कह लो, ठीक है, एंड ही इज नॉट रिलेटेड टू द लॉ मिनिस्ट्री एंड ही इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में लिखा गया है, इसको बनने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिक्वायरमेंट होती है ना, वही सेम चाहिए। दैट मीन्स भारत का देश नागरिक तो होना ही चाहिए, 5 साल हाईकोर्ट के जज का एक्सपीरियंस, 10 साल जो है आपको जो है एक एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये चीजें चाहिए होती है इसको। अटॉर्नी जनरल क्या करता है, ये लॉ ऑफिसर इसीलिए कहते हैं, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है रनिंग गवर्नमेंट को, रनिंग गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है, लॉ बनाने के लिए एडवाइस प्रोवाइड करता है। ये पार्लियामेंट में जा सकता है, बैठ सकता है, डिस्कशन कर सकता है, बोल सकता है, एनीथिंग। तो बट वहां पे ये सिर्फ और सिर्फ जो है वोट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा और द पार्लियामेंट। क्लियर, ये याद रखना है। जब भी गवर्नमेंट के ऊपर केस होता है और वो केस आपका सिविल केस हो, तो सिविल केस में बचाता कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही बचाता है हमारी गवर्नमेंट को। ध्यान रखना है, क्रिमिनल केस में कोई भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई बचाता नहीं है, ये कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये फुल टाइम मेंबर नहीं होता आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन वो प्राइवेट प्रैक्टिस के अंतर्गत क्या होगा कि ये केस जो होगा वो रनिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लेके आ सकता, मतलब गवर्नमेंट के केस नहीं लड़ सकता, ये उनके लिए केस लड़ता है, उनके अगेंस्ट नहीं लड़ सकता, ये याद रखना। क्लियर हो गया आप लोगों को, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और इनकी हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, याद रखना। क्लियर, सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 140,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, और कोई पेपर हो, एग्जाम हो, डाउट्स हो, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं।
जिस तरीके से आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पॉलिटी के, अगर आप ऐसे ही पॉलिटी के क्वेश्चन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड चीजें करना चाहते हैं, स्टैटिक जीके करना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों का मिशन जो है हमारा वो 10,000 एमसीक्यू कोर्स के अंतर्गत है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस है आपकी 1299 जो कि 31 मई तक आपकी वैलिड है। 31 मई को ये जो चीज़ है ये खत्म हो जाएगी, 31 मई की रात के 12 बजे के बाद ये खत्म हो जाएगी, यानी कि 1299 में ना मिल के फिर ये आपको 2500 रुपये में मिलेगा। अभी डबल वैलिडिटी ऑफर भी चल रहा है और प्राइस भी हाफ चल रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। और इसमें एक कूपन कोड यूज़ कर लेना है आपको, VIP फ्लैश, अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। GS कोर्स की अगर हम बात करें, ये हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीज़ें स्टडी करी हैं यहाँ पे। इन कोर्सेज को आप कहाँ से ले सकते हैं, स्टडी IQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट studyiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे देखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन, इसको बटन को दबाना, GS कोर्स और 10,000 MCQ कोर्स आपको नजर आ जाएंगे। तो जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे आप परचेज कर सकते हैं, प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ऐप पे ना जाके अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे आपको करना क्या है, आपको खोलना है studyiq.com। जैसे ही आप इस चीज को ओपन करेंगे, ठीक है, आपको यहां पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू वांट टू लर्न, तो यहां पे आपको डाल देना है 10,000 MCQ कोर्स। जब आप इस 10,000 MCQ कोर्स को डालेंगे ना तो आपको इस तरीके से मेरा कोर्स नजर आ जाएगा। और यहाँ पे बाय नाउ का बटन है, इसको बाय नाउ के बटन को क्लिक करना, यहाँ पे कूपन कोड डालना VIP फ्लैश, एंड में जाके मांगता है कोड, एंटर द कूपन कोड VIP फ्लैश एंटर करेंगे तो यहाँ पे वीडियोस 608 वीडियोस ऑलरेडी हैं, आज मॉक टेस्ट हम लेने वाले हैं वो भी आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इन कोर्सेज के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं ये देखिए, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइव सेशंस हैं, ठीक है, लाइव सेशंस मैं लेता हूँ, जो भी पॉलिटी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, फिजिक्स न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे जो हैं चैप्टर वाइज चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं यहाँ पे। ये देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, UPSC स्टेट PCS के क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की GK, UPPCS के लिए स्पेशल क्वेश्चन, मध्य प्रदेश GK, MPPCS के लिए, बिहार GK के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, त्रिपुरा के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, स्टैटिक GK, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। और इसके अलावा SSC रेलवे, CDS डिफेंस एग्जाम, पंजाब एग्जाम, पंजाब कोऑपरेटिव, उड़ीसा के लिए, जम्मू कश्मीर के जो भी आपके सब इंस्पेक्टर एग्जाम होते हैं, 2021 के क्वेश्चन क्विज भी हैं, MCQ रिवीजन के लिए भी डाल रखे हैं, मॉक टेस्ट भी है, और आज हमारा मॉक टेस्ट है इसमें, तो आप इस चीज़ को अटेम्प्ट करें ज़रूर क्लियर, और इसमें देखना कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 21 जो आज अपलोड किया जाएगा, 11 बजे अपलोड किया जाएगा हमारे पेड कोर्स के अंतर्गत, दैट इज इन द 10,000 MCQ कोर्स के अंतर्गत, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन डाले हैं, 50 में से 33 क्वेश्चन जो हैं आपके NCERT बेस्ड हैं, ठीक है, और 17 क्वेश्चन जो मैंने डाले हैं यहाँ पे, वो 17 क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, स्टेट एग्जाम्स के, स्टेट PCS के क्वेश्चन मैंने इसके अंतर्गत डाले हैं, तो टोटल 50 क्वेश्चन हैं आपके, तो अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना, अच्छे से तैयारी करना और बताना कि कितना आपका स्कोर आया है, ठीक है। बाकी कुछ भी आपको जानकारी लेनी हो, जब पता करना हो मेरे से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, क्लियर। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं शाम की क्लास में, गुड लक, टेक केयर, बाय, जय हिंद।